इधर एलएसी पर जारी तनाव के बीच शी जिनपिंग की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। खुफिया एजेंसियों को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक चीन अपनी सेना में हिंदी जानने वाले लोगों की भर्ती कर रहा है और दावा किया गया कि ऐसे लोगों की तलाश के लिए चीनी सेना के अधिकारियों ने मार्च और अप्रैल के महीने में चीन के ऐसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का दौरा भी किया जहां विदेशी भाषा के तौर पर कुछ छात्र हिंदी को भी चुनते हैं। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि एलएसी के पास भारत की खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए चीन की सेना ने ये गेम प्लान तैयार किया है। जो भी संवाद हमारे तरफ से किया जाएगा आपस में, उसको समझना और उस भाषा का मतलब निकालना उनके लिए आसान हो जाएगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी बोलने और समझने वालों की इस भर्ती के लिए चीन की सेना ने इस साल जून तक की डेडलाइन भी तय कर दी है, क्योंकि एलएसी पर भारतीय सेना के सख्त तेवर से चीन बौखला गया है और अब उसने भारत के खिलाफ नई साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। और इसी के तहत चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने हिंदी जानने वालों की भर्ती का अभियान शुरू किया जो एलएसी के पास बसे चीन के इलाकों की सुरक्षा का काम देखती है। और खबर है कि इस भर्ती का जिम्मा चीन वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर आने वाले तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को सौंपा गया जो एलएसी के उस हिस्से की सुरक्षा संभालती है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और उत्तराखंड के पास बसे हैं। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि चीन सेना ने एलएसी के करीब रहने वाले 10 से 18 साल के बच्चों को अपने सैन्य शिविरों में हिंदी सिखाने के लिए भी चुना है।